वेलकम यू गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एटीपी मंत्रा। तो आज जो है हम अपना यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस जो हैं सेपरेट वीडियोस सीरीज को क्या है इसमें हम बनाएंगे। इससे पहले जो है हमने टीजीटी के क्वेश्चंस जो हैं यूपी टीजीटी के क्वेश्चंस के लिए जो है अलग प्लेलिस्ट बनाया है, और इस प्लेलिस्ट में जो है हम यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो जो है हमारे क्वेश्चंस जो है वन बाय वन चलेंगे, और उसके साथ में जितने भी डेरिवेशंस या फिर कुछ भी जो थ्योरी हमें ज़रूरत होंगी उसको साथ में क्या है डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, तो क्या है हम देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, और ऐसे ही क्या है हम अपना फर्दर चलते रहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द विस्कस ड्रैग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ फ्लूइड ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन फ्रंट एंड रेयर एज इज गिवन बाई एफ इज इक्वल्स टू बी रू द पावर अल्फा वी द पावर बीटा ए द पावर गामा, वेयर बी इज डायमेंशन लेस नंबर, अल्फा बीटा गामा इज कॉन्स्टेंट, रू इज डेंसिटी, वी इज फ्लो वेलोसिटी एंड ए इज मैक्सिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू फ्लो। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या रो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है क्या आपका डेंसिटी, वी दिया हुआ है क्या फ्लो वेलोसिटी, और जो ए दिया हुआ है वो दिया है क्या आपका क्रॉस सेक्शन। ठीक है, और ये जो है आपका फॉर्मूला दिया हुआ है कि जो एफ है ड्रैग फोर्स वो क्या है इसके इक्वल है अल्फा वी दी पावर बीटा और ए दी पावर गामा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज़ जो है निकालनी है और देखना है कि क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्या है सबसे पहले तो हम लेफ्ट हैंड साइड का एफ का जो है लिखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मा एम एल टी दी पावर माइनस टू। मैंने बोला था फोर्स का हमेशा याद रख लीजिए। बी जो है डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट है, तो ये जो है इसका कुछ हो नहीं सकता, हमें क्या रो का रखना होगा, तो रो होता है m अपॉन v, मतलब क्या मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास के लिए m v जो हो गया आपका l द पावर q हो जाएगा क्या माइनस में, क्योंकि नीचे था ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा कि पावर अल्फा v जो है आपका वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, तो l t द पावर माइनस वन बीटा, और e जो है आपका l स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया है, ये हो गया गामा। अब m वाले एक जगह, l वाले एक जगह और t वाले एक जगह लिख लेते हैं, तो m की पावर जो है आपका अल्फ़ा हो जाएगा, l की पावर जो है 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा। ठीक है, तो ये हो गया आपका l के पावर हो गया, और अगर हम बात करें t का तो t दी पावर क्या है माइनस बीटा है। अब दोनों क्या है साइड में हम अगर कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करेंगे तो देख सकते होंगे अल्फ़ा जो है आपका 1 है, क्योंकि यहाँ आप देखो m के पावर अल्फ़ा है और यहाँ m के पावर 1 है। ठीक है, कंपैरिजन किए 1 आ गया, t दी पावर देखिए माइनस बीटा है और यहाँ पे t दी पावर माइनस 2 है, तो बीटा जो हो गया आपका 2 हो गया। अब अल्फ़ा और बीटा अगर हमें पता है तो क्या ये वाला देखिए इक्वेशन आपका बन रहा है क्या 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा, यहाँ पे जब कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू 1 के बराबर, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ रखते हैं बीटा की वैल्यू यहाँ रखते हैं, देखते हैं क्या मिलता है माइनस 3 प्लस 2 प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1, यहाँ हो गया माइनस 1 प्लस 2 गामा इज इक्वल्स टू 1, तो भाई साहब हमें मिल जाएगा क्या गामा की वैल्यू भी 1 मिल गई, देख सकते होंगे अल्फ़ा की वैल्यू 1 गामा की वैल्यू 1 बीटा की वैल्यू 2, तो हमारा जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट है। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन इज। ठीक है, ये जो है हमारा यूपीपीएससी जो है प्री 1995 में आया हुआ है, और देखते हैं भाई ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए सरफेस टेंशन को एक्सप्लेन कर देते हैं कि भाई सरफेस टेंशन होता है क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ जानना होगा, जिससे मान लीजिए कोई इलास्टिक है, ये सपोज ऐसे अगर मैं इसे खींचता हूँ तो ये क्या है वापस जो है आपस वो मिनिमम सरफेस एरिया जो है एक्वायर कर लेता है। अब इसी तरीके से जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर मान लीजिए कि हाथ में हमने लिया और उसको क्या ऊपर की ओर ऐसे फेंका, तो वो क्या होता है स्फेरिकल से कुछ ऐसे गोल सा जो है हमारा एक्वायर करने की कोशिश करता है, और ये जो होता है सरफेस टेंशन की वजह से क्या है मिनिमम सरफेस एरिया जो है एक्वायर करता है। ठीक है, तो अब जो है फर्दर इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना हो तो बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये कोई जो हमारा एक कोई लिक्विड लिया गया है। ठीक है,
और इसके बीच में क्या है, एक जो है हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दिया, और इस पर क्या है, इसके परपेंडिकुलर जो है फोर्स जो है अप्लाई हो रहा होता है, जो कि इस लिक्विड को क्या मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने के लिए फोर्स करता है, ठीक है ना, फोर्स करता है कि वो जो है क्या मिनिमम सरफेस एरिया पा जाए या फिर ले ले। तो ये जो है आपकी टेंडेंसी क्या होती है, ये सरफेस टेंशन होती है, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। तो अब जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो एफ है वो इस इमेजिनरी लाइन के क्या प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, और जब ये प्रोपोर्शनैलिटी कौन सिंबल जो हटता है तो ये क्या टी एल लिखते हैं, टी जो है आपका क्या सरफेस टेंशन बता रहा है, और ये जो टी है वो हो जाएगा आपका एफ अपॉन एल के बराबर, और हमें क्या निकालना है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना, ठीक है। तो आपका एम एल टी दी पावर माइनस टू है, और एल जो होगा लेंथ का, तो हमारा मिल गया क्या एम टी दी पावर माइनस टू। तो देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन जो है वो सही है सी वाला, ठीक है, तो सी जो हमारा ऑप्शन है वो सही है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेटेंट हीट। देखो लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ या फिर गुप्त कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हिंदी अगर स्पेशल हिंदी बोलेंगे तो गुप्त हो जाएगा, वैसे छिपी हुई क्या हीट हो गई, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि कोई भी जो सब्सटेंस यहाँ पर पाया जाता है सबकी कुछ ना कुछ जो है लेटेंट हीट होती है। अब लेटेंट हीट करता क्या है ये देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए कोई सब्सटेंस है सॉलिड में है, ठीक है, अब इसको क्या है लिक्विड में चेंज करना हो तो उस कंडीशन में क्या होता है कुछ ना कुछ हमें क्या इसे हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है। तो उस कंडीशन में क्या होता है जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं इस सॉलिड को तो क्या होता है कि इसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो करके कुछ ऐसे स्पेशल केसेस में वहाँ पे क्या होता है कि इसका स्टेट चेंज होता है, मतलब क्या सॉलिड से क्या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और उस कंडीशन में क्या होता है कि टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। अब इसे मान लीजिए अगर एग्जांपल की बात करें तो आइस से जो है हमारा जब वाटर में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उस कंडीशन में क्या है हमारा ये भी 0 डिग्री सेल्सियस होता है और ये भी क्या है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और हम कुछ हीट इसे प्रोवाइड करते हैं तो क्या ये वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वही जो हीट इसे दी जाती है वही क्या होता है लेटेंट हीट होता है, और यही कंडीशन होता है लिक्विड से जब हम गैस में कोई कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो किसी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है हमारा कुछ ना कुछ एनर्जी या फिर हीट जो है हमें इसे प्रोवाइड करना पड़ता है, और उस कंडीशन में भी क्या होता है टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ क्या है स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बदल जाता है। तो अब अगर हम बात करें कि इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है तो वो होता है क्या हीट जो गिवन होते हैं हीट जो दी जाती है, ठीक है, और ये क्या है मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ये जो है L जो है आपका लेटेंट हीट होता है, ठीक है। ये जो लेटेंट हीट होता है सभी अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। तो अब जो है अगर हमें L का निकालना है डायमेंशनल फार्मूला तो Q अपॉन M डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, ठीक है। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर हमें निकालना है तो Q जो है आपको पता होगा इसमें क्या एनर्जी की डायमेंशनल फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो एम एल की पावर टू टी दी पावर माइनस टू, और m जो है आपका मास है तो ये हो गया आपका m। अब हम बात करें तो ये हो जाएगा m की पावर 0 क्योंकि ये वाला ऊपर जाके क्या कैंसिल आउट कर दिया, l की पावर 2 और t की पावर माइनस 2। तो अगर हम आंसर की बात करके हमारा आंसर कौन सा सही है तो हमारा जो आंसर सही है वो है a वाला आंसर, जो हमारा a ऑप्शन जो है हमारा सही है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लिखा है 1 पास्कल इन SI यूनिट इज इक्वल टू। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये जो है UPPCS प्री 2006 में आया है, ठीक है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जो आपका डायमेंशनल फार्मूला फॉर द लेटेंट हीट था ये जो है 2006 UPPCS में और PGT के 2005 और 2010 का ये जो क्वेश्चन था हमारा आया है, जो भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन करवाया है, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिंग क्वेश्चन है तो आप इसे क्या कहते हैं अच्छे से कर सकते हैं, हो सकता है कि अगली बार भी रिपीट हो जाए, लेकिन ये मत सोचते जाना कि रिपीट ही होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई पास्कल होता क्या है। तो पास्कल की हम बात करें तो पास्कल क्या है अपना प्रेशर का एक यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। अब जब है हम बात करते हैं कि पास्कल
बोला है कि SI यूनिट जो है हमें बताना है कि वो कितने के बराबर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं P के लिए फॉर्मूला क्या होता है। P के लिए फॉर्मूला होता है F अपॉन A। ठीक है, और F अपॉन A तो ये होता है कि आपका न्यूटन, और A क्या होता है, वो होता है क्या आपका एरिया। ठीक है, या फिर कह सकते हैं एरिया जो है आपका मीटर स्क्वायर में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या, अगर हम मीटर स्क्वायर लिखते हैं तो ये हो जाएगा क्या आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर न्यूटन डी पावर माइनस टू। ठीक है, अब हमें बोला है कि भाई SI में बताना है। ठीक है ना, तो SI में बताने का मतलब ये हो गया कि देखो ये जो हमारा न्यूटन है ये क्या SI यूनिट है, और ये जो मीटर है ये भी SI यूनिट है। अगर हमें मान लीजिए कि CGS में पूछ देता तो यहाँ पर ये हो जाता डाइन सेंटीमीटर क्यूब, या क्यू का स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते थे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर होता कब, जब हमें क्या CGS पूछता, CGS यूनिट में पूछता। ठीक है ना, और ये क्या हमारा SI में है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो सही है ए वाला, जो कि 1 न्यूटन मीटर के पावर माइनस 2 हो गया। ठीक है, अब जो है हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मैंने ऑलरेडी बहुत पहले बता रखा है कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिंग क्वेश्चन है, और इससे रिलेटेड बार बार जो है क्या क्वेश्चंस आते ही रहते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन क्या है, वॉन्डर वॉल से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या हमारा क्वेश्चन, तो उससे पहले क्या इसे इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया हुआ है इन वॉन्डर वॉल्स इक्वेशन द यूनिट ऑफ कॉन्स्टेंट ए। देखिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेटिंग क्वेश्चन है ये वाला, तो आपको क्या है इसकी यूनिट बतानी है। ठीक है, हमेशा डायमेंशंस पूछ रहा था, अभी जो है आपको यूनिट पूछ दिया है। तो यूनिट देखते हैं क्या है। पहले तो वॉन डर वॉल्स इक्वेशन दिया हुआ है आपका पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। हमें क्या निकालना है, ए का जो है यूनिट निकालना है। तो हमें पता है पी का जो यूनिट होगा वो क्या ए अपॉन वी स्क्वायर के यूनिट के बराबर होगा। ठीक है, सेम यूनिट होगा तभी ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं भाई साहब ए जो है पी वी स्क्वायर के यूनिट के बराबर होगा। इसका जो यूनिट होगा ऐसे लिख लेते हैं, इसका जो यूनिट होगा वो पी वी स्क्वायर के यूनिट के बराबर होगा। तो अब देखते हैं भाई साहब इसका यूनिट क्या होता है। तो ये होता है क्या हमारा पी के लिए फॉर्मूला होता है फोर्स। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया, और ये क्या है आपका वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा मीटर की पावर 3, और ये हो जाएगा क्या 6। तो फोर्स के लिए न्यूटन यूज होता है, एरिया के लिए एल स्क्वायर कह सकते हैं मीटर यूज होता है, मीटर स्क्वायर यूज होता है। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका मीटर की पावर 6 हो गया। तो ये हो जाएगा क्या आपका न्यूटन मीटर की पावर 4। ई का जो हमारा यूनिट निकला है वो निकला है क्या न्यूटन मीटर की पावर 4। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये पूछा है कि SI यूनिट नहीं पूछा है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्या आपका CGS यूनिट दिया हुआ है। ठीक है, तो अब CGS यूनिट दिया हुआ है तो CGS में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। न्यूटन का क्या होता है, वो होता है कि आपका डाइन, और जो मीटर होता है वो होता है क्या सेंटीमीटर 4। तो आपका ये जो है SI यूनिट बता रहा है, और ये क्या है आपका CGS यूनिट बता रहा है। ठीक है, तो इसमें आप कन्फ्यूज मत होइएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, ये UPSC जो है प्री 2003-2005 में भी आया हुआ है, और जो है PGT का 2013 के क्वेश्चन में क्या है ये सेम क्वेश्चन जो है आपका आया हुआ है। ठीक है, तो इसे जो है आप ध्यान से करिएगा, क्योंकि जहाँ भी अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ आपका तो आप क्या है क्वेश्चन गलत कर देंगे। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को क्या है काफ़ी ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो अभी जो है हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो है UPSC 2001 में भी आया है, और 1997 में भी आया। तो जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, लिखा हुआ है इन वैन डर वाल्स गैस इक्वेशन द डायमेंशंस ऑफ द कांस्टेंट ए एंड बी आर। ठीक है, ए और बी का कांस्टेंट का जो है डायमेंशन फॉर्मूला बताना है। ठीक है, और मैं लगातार जो है ए का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालता रहा हूँ, एक दो बार निकाल चुका है मैंने TGT वाले प्लेलिस्ट में।
ठीक है। तो अभी जो है फिर से निकालते हैं, देखते हैं भाई साहब क्या है और कैसे निकलता है। तो अगर हम बात करें वैन डेर वाल्स इक्वेशन की, तो ये होता है पी प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, और ये होता है वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है ए अपॉन वी स्क्वायर क्यों यूज होता है, क्योंकि भाई आइडियल गैस इक्वेशन कंडीशन में क्या है, हमारा जो ये टर्म है ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है। और आपका क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन में ये वाला भी टर्म नहीं लिया था, लेकिन जब वैन डेर वाल्स भाई साहब ने जब अपना कुछ करेक्शन किए, तो उसके बाद से क्या हमारा ए अपॉन वी स्क्वायर का टर्म और ये जो है आपका बी वाला जो है टर्म ऐड हुआ था। तो आपको ये भी बता देता हूँ कि ए अपॉन वी स्क्वायर वाला क्यों टर्म ऐड हुआ था और आपका बी वाला टर्म क्यों ऐड हुआ था। जब हम क्या इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन जो है, या फिर कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेज आपस में लग रहे होते हैं, उसको क्या कंसिडर नहीं किया गया था आइडियल गैस इक्वेशन में कंडीशन में। और जो आपका वॉल्यूम था, जैसे मान लीजिए कोई गैस मॉलिक्यूल था, ये पूरा अगर एक बॉक्स में ट्रेवल कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या है, ये वॉल्यूम नहीं लिया जा रहा था, ठीक है। ये जो उसका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नहीं ले जाके ये पूरे बॉक्स का वॉल्यूम लिया जा रहा था, लेकिन क्या है रियल गैस कंडीशन में ये जो है गैस मॉलिक्यूल का कुछ ना कुछ वॉल्यूम लिया गया, तो ये जो पूरा ट्रेवल कर सकता था वॉल्यूम, उसमें से ये क्या है माइनस कर दिया गया है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ, काफ़ी शॉर्ट में बताया है ये वीडियो में क्या, ये जो है डिटेल से मैंने एक आपकी प्लेलिस्ट टीजीटी वाले में फर्स्ट वीडियो में है जो है मैंने क्लियरली बताया हुआ है, ठीक है। तो आप जो है उसे भी देख सकते हैं, बट अभी जो है हम देखते हैं कि ए और क्या है बी का क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं ए अपॉन वी स्क्वायर का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, वही क्या पी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अब देखिए सीधा सीधा निकाल लेते हैं पी वी स्क्वायर, ये हो जाएगा क्या आपका एम एल टी टी पावर माइनस टू, और एल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा एल की पावर सिक्स। तो अगर हम बात करें तो एम एल की पावर फाइव टी टी पावर माइनस टू, ठीक है। ये जो है हमारा ए का डायमेंशन फॉर्मूला निकल गया। अब हम बी की अगर निकालना चाहें तो बी जो है वी का फॉर्मूला होगा। देखिए वी कोई भी जो है सेम यूनिट या फिर सेम डायमेंशनल फार्मूला होगा, तभी जो है आपस में सब्ट्रैक्ट या फिर ऐड हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही कंडीशन यूज होगा। अब क्योंकि v में से b सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या, b का जो डायमेंशन होगा वो v के इक्वल होगा। तो जो हम कह सकते हैं सीधा कि ये जो है आपका l की पावर q होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। तो ऑप्शन जो है हमारा मैच कर रहा है डी वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है एम एल दी पावर फाइव टी दी पावर माइनस टू, और एल बी की वैल्यू जो है एल दी पावर थ्री है। तो जो हमारा 36 क्वेश्चन नंबर जो है 36 नहीं सॉरी ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर है उसका क्या डी वाला जो ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, ठीक है। अब जो है हमें देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस प्री 2010 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन जो है सही मतलब मिलाना है कि कौन से का कौन सा है सर सही है, ठीक है। तो इसमें जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी डी दिया हुआ है, ठीक है। तो ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका पावर, बी जो दिया हुआ है वो दिया है मैग्नेटिक फील्ड, सी जो दिया हुआ है वो दिया है मैग्नेटिक फ्लक्स, और जो डी दिया हुआ है वो दिया हुआ है इंडक्टेंस, ठीक है। और इधर जो है 1 2 3 4 दिया हुआ है और मिलाने के लिए बोला हुआ है। तो देखते हैं ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका हेनरी, ये दिया हुआ आपका आपका वेबर, टेस्ला, और क्या हुआ वाट दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या है बस इसके आपको ये जो यूनिट्स दिए हुए हैं इसे क्या है मिलाना है और बताना है कि कौन सा आंसर सही है। ये जो है क्वेश्चन हमारा आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है यूपीपीसीएस जो है प्री 2010 में आया हुआ है, ठीक है। तो पावर जो है भाई साहब वाट होता है, ठीक है। इंडक्टेंस का कह सकते हैं हेनरी होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का होता है वेबर, और आपको मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वो होता है कि आपका टेस्ला,
तो देखते हैं भाई कौन सा हमारा ऑप्शन जो है सही कर रहा है। तो सही जो है हमारा आंसर है, हमारा जो ऑप्शन सही है वो है हमारा आंसर बी वाला जो है ऑप्शन सही दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी जो है हम आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में क्या है कंसल्ट करेंगे। और अभी जो है आपको अगर कोई भी दिक्कत हुई हो तो आप क्या कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस को क्या है ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।